जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कल वहां के पीएम से करेंगे मुलाकात, एफआईपीआईसी समिट में लेंगे हिस्सा। बलिदान दिवस पर राजीव गांधी को किया याद, पीसीसी में हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम, मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभारी रंधावा, डोटासरा समेत कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सीएम गहलोत ने किया जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालयों का उद्घाटन, मुख्यमंत्री ने दिलवाई शांति और अहिंसा की शपथ, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी हुए शामिल। पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री की बड़ी पहल, हर जिले में होगा 2 लवकुश वाटिकाओं का निर्माण, सीएम गहलोत ने दी 66 करोड़ की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल रहेंगे राजस्थान दौरे पर, हनुमानगढ़ के पक्का सहारना में एनएच परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। टीओआईटी में बड़ी राशि मिलने का मामला, एसीबी ने किया आरोपी वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा, आईटी विभाग ने किया वेद प्रकाश को निलंबित। जालौर के सायला में कार और बाइक की भिड़ंत, हादसे में पूरा परिवार खत्म, पति पुत्र और गर्भवती महिला की जान गई। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी, बीकानेर समेत कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार, हीट वेव ने बढ़ाई परेशानी, कल से कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट।